अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं मोहम्मद फरहाद। आज की मेरी वीडियो वालदैन के हवाले से है कि देखें जी, हम मिडिल क्लास के लोग हैं, हमारे पास जायदाद, दौलत, शोहरत ये चीज़ें नहीं हैं, लेकिन हमारे पास एक कीमती चीज़ है, एक कीमती दौलत है जिसकी कोई कीमत नहीं, कोई लगा ही नहीं सकता। और ऐसी दौलत है जो आपकी कामयाबी की चाबी अपने पास रखती है, यानी हमारी कामयाबी की जो चाबी है, वो जो दरवाज़े हैं हमारी कामयाबी के, उनकी चाबी हमारे माँ बाप के पास। वालदैन जो है ना, आपकी कामयाबी और नाकामी दोनों की चाबियाँ जो हैं वो इनके पास होती हैं। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उनसे कामयाबी की चाबी कैसे लेते हैं और नाकामी की चाबी कैसे। वालदैन से मुस्कुरा कर बात करें, अदब तहजीब से बात करें। बिलफर्ज वालदैन से मामला हमारा कब ख़राब होता है? जब हम अपनी बात मनवाते हैं। मनवाएं, माँ बाप हैं, हमारी ख्वाहिशें वही पूरी कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी अदब और तहजीब होना ज़रूरी है। आप अपनी बात मनवाने से पहले ख़ुद को इस काबिल बनाएं कि आपके वालिद आपकी बात मानने पर मजबूर हो जाए। दौड़ और दम की ज़बरदस्ती ये चीज़ें वालदैन को करना, उनको तकलीफ़ पहुँचाना ये मुनासिब नहीं। तो लिहाजा वालदैन की कदर करें, उनके साथ मुस्कुरा कर पेश आए, क्योंकि ये कीमती चीज़ है हमारे पास, और ये ऐसी चीज़ है अगर एक बार अल्लाह ताला ने हमसे छीन ली तो दोबारा वापस नहीं आएगी।